हमें चैनल चटोली बनिया। मैं हूँ वैशाली और आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जहाँ पे आए हैं हम गोला सिजलर्स में डीएलएफ मॉल इन नोएडा। सो ये एपिसोड 2 होने वाला है ऑफ आर न्यूली स्टार्टेड सीरीज जो आपने शायद अभी देखी है, दिल्ली फाइनेस्ट डाइनिंग प्लेसेस इन दिल्ली पे। और ये सेकेंड एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड मैंने शूट किया था एट दरियागंज इन सीपी, आई लिंक इट हेयर अगर आपने इनकेस नहीं देखा है तो। एंड दिस इज द सेकेंड एपिसोड दैट वी आर शूटिंग राइट नाउ एट गोला सिजलर्स। तो अगर आपने नहीं सुना है तो आई जस्ट टेल यू कि गोला सिजलर्स एक बहुत ही अपेरेंटली काफ़ी पॉपुलर फूड चेन रेस्टोरेंट चेन है, ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी सारे इनके आउटलेट्स हैं। मैं अभी फिलहाल बैठी हूँ डीएलएफ नोएडा सेक्टर 18 नोएडा में एंड वील स्टार्ट विद द स्टार्टर्स नाउ एंड आई कांट वेट टू डिग इन एंड शो यू व्हाट ऑल आई हैव। ऑर्डर किया है अपना स्टार्टर एंड सिंस जैसे आपको पता है गोला सिजलर्स तो ये अपने सिजलर्स के लिए काफ़ी पॉपुलर हैं। सो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है इनका एक चाइनीज़ कैटेगरी वाला सिजलर जहाँ पे चिली पनीर सिजलर है। बेसिकली इसमें काफ़ी आपको दिख रहा होगा चिली पनीर से पूरा द प्लेट हैज़ बीन ब्रेडेड और उसके साथ आपको चॉइस मिलती है आइदर फ्राइड राइस और नूडल्स की। सो आई हैव ऑप्टेड फॉर फ्राइड राइस हेयर एंड अब हम ये ट्राई करके देखने वाले हैं। सो मैं यहाँ से कुछ फ्राइड राइस एंड सम चिली पनीर, तो मैं दोनों चीज़ें ट्राई करूँगी साथ में एंड वील सी हाउ इट टेस्ट्स। सो दिस सिजलर ये जो है आई थिंक दिस इज फॉर 899 एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड इनफ फॉर 2 पीपल। अगर आप स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं यूजुअली तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाके आप इतने का या स्टार्टर्स आपका आ जाता है एंड दिस इज़ वेरी नाइस डिसेंट क्वान्टिटी एंड काफ़ी फैंसी प्रेजेंटेशन आपको जैसे दिख रही है सिजलर्स में। काफ़ी देर तक सारा ये जो स्मोक होता है वो मेंटेन रहता है, वेरी इंस्टा वर्दी डिश आल्सो, देखने में भी काफ़ी अच्छी है। सो टेस्ट वाइज देखते हैं कि हाउ इज़ इट रियली। सो आई स्टार्ट विथ सम चिली पनीर, फर्स्ट विल टेक अ बाइट इनटू द पनीर। द पनीर इज सो सॉफ्ट, मतलब मेल्टिंग माउथ है बेसिकली, टेंडर था काफ़ी इजीली टूट गया। आई सी विद द फ्राइड राइस, ओके आई थिंक जो एक बर्नट वो स्मोकीनेस का जो टेस्ट आ रहा था जैसे जो दिख रहा था ना प्रेजेंटेशन में, द फूड इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इट अपने टेस्ट में। जैसे जब मैं फ्राइड राइस खा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर ऐसा सा आ रहा है। तो अभी हम एक ही कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे वेजीज हैं, आप यहाँ पे देखेंगे स्प्रिंग अनियन है, कैप्सिकम है, अनियन है, उसके बाद आई थिंक कैरेट है और बेबी कॉर्न भी है और काफ़ी सारी वेजीज हैं यहाँ पे। सो आई थिंक या दिस इज़ वेरी नाइस इन टेस्ट ऑल्सो, क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है। This is surely a must try. And अगर आप गोला सिजलर्स आ रहे हो आई थिंक डेफिनेटली सिजलर्स आर डेफिनेटली समथिंग जो आपको यहाँ पे ट्राई करने चाहिए। उसके साथ मैंने यहाँ पे एक ड्रिंक यहाँ पे अपने लिए ली थी, दिस इज़ वर्जिन सांग्रिया। तो इसमें क्रैनबेरी जूस एंड ऑरेंज जूस और काफ़ी सारे एक इट्स लाइक अ मिक्स वेराइटी एंड सो ये भी ट्राई करके देखते हैं। दिस इज ऑल आई नीड टू रिफ्रेश माई सेल्फ। सो इसमें काफ़ी सारे चॉप फ्रूट्स हैं, ऊपर से आपको दिख रहा होगा एंड इसका फ्लेवर भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। सो हम अपने स्टार्टर्स यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं एंड आई विल टेक यू टू द मेन कोर्स स्ट्रेट। मेन कोर्स
कोर्स आ गया है। मेन कोर्स हमने मंगवाए हैं अपना द बेसिक वेरी स्टेपल जो नॉर्थ इंडियंस खाते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने मंगवाई है दाल मखनी, दिस इज लुकिंग वेरी वेरी क्रीमी। और यहाँ पे है पनीर खुरचन, इसमें मैश्ड पनीर और कुछ वैसे पनीर के पीसेज आपको बिग चंक्स भी दिख रहे हैं। और ये टोमेटो अनियन वाली ग्रेवी में बनती है और ये काफ़ी टेम्पटिंग लग रही है। सो इसके साथ हमने यहाँ पे मंगवाई है बटर नान। सो मैं आपको सब चीज़ों के प्राइसेस बता देती हूँ। जो दाल मखनी है दिस इज़ फॉर 589 एंड पनीर कुचन इज अगेन फॉर 589 ओनली। तो दोनों सब्जियाँ 589 की हैं। क्वांटिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनफ। तो हम ये बटर नान ट्राई करके देखने वाले हैं। काफ़ी सही तरह से सिकी हुई लग रही है ये। एंड हम ये दाल मखनी के साथ एक बाइट ले रहे हैं और थोड़ा सा प्याज एंड चटनी। सो ये बाइट लेके देखते हैं कि कैसी है। तो मेरे को प्याज का इतना प्रोमिनेंट फ्लेवर आया है, जो सिरके वाली प्याज है, उन्होंने जो मसाले वगैरह सब डाले हुए हैं, ये काफ़ी बढ़िया लग रही है इसके साथ। एंड दाल ऑल्सो इज़ वेरी क्रीमी। दाल इज़ वेरी नाइस, मतलब नॉट द बेस्ट आई हैव हैड बट काफ़ी सही है, टेस्ट में काफ़ी डिसेंट है। वेरी क्रीमी, वेरी थिक, वेरी बटरी, जो उन्होंने ऊपर से गार्निशिंग की हुई थी। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं पनीर खुरचन। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे मैश्ड पनीर भी है और जो बिग चंक्स होते हैं पनीर के वैसा भी है। सो हम एक बार एक बाइट लेके देखते हैं, लेट्स ट्राई कि इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। जिसमें प्याज का तड़का होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर, मतलब प्याज का ही ओवरऑल बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है। काफ़ी जैसे पनीर टिक्के वाला पनीर होता है ना, हाँ मतलब वैसा है कि चारकोल ग्रिल्ड पनीर का टाइप है। मैश्ड अलग है, बिग चंक्स वाला अलग है। इसमें आप देखोगे इसमें इतनी सारी सब्जियाँ डली हुई है, इसमें जो शिमला मिर्च भी लग रही है उसमें मेरे को ये लग रहा है पनीर टिक्के वाले जैसा चारकोल ग्रिल कर रखा होता है वैसा है। एंड इसमें अनियंस हैं, टोमेटोज हैं और ये काफ़ी सारी मतलब मैश्ड ये जो आपको सब्जियाँ दिख रही हैं। एंड पनीर आप देखो यार, दिस इज़ चारकोल ग्रिल्ड ओनली, तो उसका फ्लेवर जो है वो एक स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर होता है, वो काफ़ी अच्छा उभर के आ रहा है। एंड दिस इज़ रियली नाइस। सो या आई थिंक वी आर गोइंग टू इन्जॉय आवर मेन कोर्स नाउ। सो फ्रॉम दीज टू आई थिंक पनीर खुरचन इज़ डेफिनेटली अ विन विन फॉर मी, क्योंकि मैं पनीर टिक्के की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ। सो अभी मैं ये मेन कोर्स करने वाली फिनिश एंड डेजर्ट देख के ज़रूर जाइएगा। अभी हम अपनी वीडियो के फाइनल लेग पे पहुंच चुके हैं एंड अब मैंने यहाँ पे मंगवा लिया है डेजर्ट। तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी डेजर्ट है यहाँ पे, इसे बोलते हैं जूल बॉक्स। लिक्विड नाइट्रोजन के साथ इसे सर्व करते हैं, तो काफ़ी ऐसी फैंसी फील्स टाइप आता है। तो हमने मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, थोड़ा सा हमने ऑलरेडी खा लिया है। सो मैं आपको ये खा के दिखाने वाली हूँ दैट हाउ इज़ द टेस्ट। सो मुझे यहाँ पे ब्राउनी की लेयर दिख रही है, देर इज़ आइसक्रीम, देर इज़ जैम, देर इज़ सो मेनी नट्स ओवरऑल। सो एक बार एक बाइट लेके देखते हैं, सब चीज़ें ट्राई करते हैं इसमें एक ही बाइट में, लेट्स सी कि टेस्ट कैसा आता है। सो यप, दिस इज़ वेरी गुड। जैसे आपको अपने ब्राउनी वाली आइसक्रीम खाई होती है वैसा है, उसके ऊपर जैम और जो इन्होंने नट्स डाले हैं तो उसके फ्लेवर्स आ रहे हैं साथ में, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड। सो मैं ये डिज़र्ट अभी फिनिश करने वाली हूँ। अगर आप वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज वैशाली साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।